तू जानता नहीं है मुझे, समझा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है धीरज सिंह। दोस्तों आज मैं मैडम से मिला था, तो इन मैडम की दिक्कत इन्होंने बताई मेरे को, परेशानी इनकी बहुत बड़ी लगी। तो दोस्तों एक बार मैडम आपने अपने मुंह से बता दो इस माइक में, तो जो भी वो आपकी परेशानी है, जिससे कि ना रिकॉर्ड हो जाएगी सारी बातें और ये क्लिप हम रिकॉर्ड कर लेंगे, जिससे आगे आपको भी दिक्कत नहीं होगी। मेरा नाम नेहा है। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मेरी शादी को 4-5 साल हो चुके हैं। मेरे हस्बैंड बहुत दुखी किए हैं मुझे। कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं, कहते हैं अपने मम्मी पापा को बोल ये देंगे वो देंगे वो देंगे। उनकी डिमांडें ही नहीं पूरी होती है। अगर मना करो तो समझाओ किसी बात को तो दारू पीते हैं, फिर महातपाई करते हैं, लड़ाई झगड़ा डेली का करते रहते हैं। सुनते ही नहीं है, कोई बात समझते ही नहीं है। उनको कोई कुछ ना कुछ बस ये एक चीज़ पूरी उनकी कर दो, ये मांगे। अभी पीछे बाइक मांगे थे, बाइक ले दी। फिर उसके बाद कहते हैं एक सोने की चेन बोला अपने मम्मी को देंगे, फिर वो ले दी। उसके बाद कहते हैं कि मेरे को गाड़ी चाहिए। अब बताओ ऐसे क्या क्या डिमांड उनकी पूरी करेंगे। अभी इन्होंने 4-5 साल में इतना दुखी कर दिया है, आगे पता नहीं अब गाड़ी ले दे फिर उसके बाद नई डिमांड इनकी शुरू हो जाएगी। यही काम रह गया इनका, नहीं सुनो तो कलेश करके रखा हुआ है इन्होंने। बहुत परेशान कर रखा है मुझे। तो अंकल जी, जैसे कि आप जानते ही हो, आप तो सभी पता है, तो आपको मतलब कुछ जब आप रिश्ता देखने गए तो जब आप पहचाने नहीं थे उनको? नहीं, उस टाइम तो अच्छा था। अच्छा अच्छा, उसका काम भी चल रहा था। हाँ। उसके दो ढाई साल के बाद में ही काम धंधा भी अपना बंद कर दिया। हाँ। सुबह शाम दारू पीना, तो वही फिर दारू पी के इनसे झगड़ा, फिर इनसे झगड़ा करना इससे। और ये आके मेरे को बोले, मैं भी कितना करूँ, मेरे और भी बच्चे हैं, मैं उनको भी देखना है, खाली इसी के पीछे थोड़ी मैं पढ़ा रहूँगा। ये तो है अंकल। तो एक बार ना आपने उनको फ़ोन करके ना पार्क में बुलाओ, तो ये आपको कलेशबाजी जो ये कर रहे हैं ना, तो ये सब रिकॉर्ड हो जाएगी। तो आप टेंशन मत लो मैडम, आप उनको ना फ़ोन मिलाओ। लाउड पे कर देना। हेलो। हेलो, हाँ बोलो। कहाँ पर हो? क्या? अरे एक बारी पार्क में आ जाओगे, जो घर के पीछे पार्क है वहाँ पे। क्या? अरे आओ तो सही, कुछ बात करने दे। तो वो काम हो गया जो तेरे को बोला था? अरे आओ तो सही, उसी के लिए बुला रही हूँ, पापा भी साथ में है, आओ तो सही, बात करनी है ना पापा ने। कौन से पार्क? ये जो घर के पीछे पार्क है। चलो आता हूँ। ठीक। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, इनके जो हस्बैंड हैं वो आने वाले हैं थोड़ी देर में। तो उसके मैडम आपने ये माइक ना अपने मतलब हाइड कर लो, कि जैसे उन्हें दिखाई ना दे, ठीक है? तो दोस्तों मैडम, मैं तो वीडियो मैं जैसे कहीं दूर चले जाता हूँ, ठीक है, कि मैं दिखाई ना दूँ, तो जब मेरे को लगेगा ना ज़्यादा ओवर हो रहा है, तो टेंशन मत लो, मैं आ जाऊँगा। अरे सारी वीडियो जो क्लिप है ना ये सब रिकॉर्ड कर लूँगा, टेंशन मत लो, फिर आपको आगे से दिक्कत नहीं होगी। जो आपको धमकी देते हैं ना कि गाड़ी दिला दो, चाहिए दिला दो, ठीक है मैडम? ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हो गई बात? बैठ तो जाओ। अरे बैठा ही हूँ, क्या हुआ, हो गई बात? अरे एक बात बताओ, अभी तुमने सोने की चेन मांगी, सोने की चेन दे दी, बाइक मांगी, बाइक दे दी, इतना कहाँ से लाएंगे पापा? तुम खुद ये चीज़ तो देखो, कम से कम ये चीज़ तो सोचो, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? नहीं तो ये ड्रामेबाजी करने के लिए बुलाया तूने मुझे? तो तुम खुद एक बात बताओ ना, कहाँ से लाएंगे? नहीं तूने मुझे ये बताने के लिए यहाँ बुलाया? इधर आ बेटा, बैठ जाओ, बैठ के बात करते हैं जरा। अरे मैं बैठ लिया। बेटा देखो, मेरे और भी बच्चे हैं, तुम अकेले तो हो नहीं। अब मैं सारी की बातें तुम्हारी पूरी करते रहूँगा तो मैं दूसरे बच्चों का क्या करूँगा? और जैसे जैसे तुमने पहले मांगा मैंने तुम्हें दिया, कभी मना तो नहीं किया ना? देखो ऐसा है, गाड़ी दे सकते तो ठीक है, अगर गाड़ी नहीं दे सकते तो इसको अपने घर रखो, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने आज तक जो मांगा वो नहीं दिया? तुमने बाइक मांगी, बाइक मिल गई, सोने की चेन मांगी, सोने की चेन मिल गई, तो अब क्या तुम्हारी हर चीज थोड़ी ना पूरी कर सकते हैं? देख फालतू बातें मुझे चाहिए नहीं है। तुम अब बेकार की बात कर रहे हो, कहाँ से लाएंगे? गाड़ी चाहिए तो गाड़ी चाहिए, ठीक है, तो कहाँ से लाएंगे? वो खुद कमा के ले लो ना, तुम नहीं इतना कमा सकते? ऐसा है, ज्यादा फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं है, अगर वहाँ रहना है तो गाड़ी लेकर आइयो। मतलब तुम्हें मुझसे मतलब नहीं है, गाड़ी से मतलब है? हाँ गाड़ी से मतलब है। तो शादी किस लिए की थी? वैसे मांग लेते गाड़ी, तुम्हें वैसे दे देते भीख के तौर पर। क्यों भीख के मांग में?
तो ये क्या कर रहे हो फिर, मेहनत से कर लो ना, कमा के ले लो गाड़ी, किसने मना किया? तुमने बाइक मांगी, बाइक दे दी ना, सोने की चेन मांगी, दे दी ना, अब तुम कहोगे गाड़ी दे दो, उसके तुम कहोगे कि चांद तारे ला के दे दोगे, तुम्हारी हर डिमांड पूरी करते रहेंगे क्या? कैसे फालतू बात बोल मत, ठीक है बेटा, समझा करो ना, तुम भी थोड़ा कंप्रोमाइज करो, तुम ऐसे अकड़े रहोगे तो मैं कहाँ से पूरा करूँगा, मेरे तो और भी बच्चे हैं ना। हाँ जी, मतलब क्या परेशानी है आपकी? तुम कौन हो भाई? मैं कोई भी हूँ, आप परेशानी बताई थी इन्होंने, मतलब क्या आप इनको वो क्या बताई थी? तुम्हें क्यों बताई, किसने बताई परेशानी? मैंने बताई थी इनको, मैंने बुलाया, मैं इन्होंने बुलाया। और बताओ तुम कौन हो, कौन तुम? मैं कोई भी हूँ, ये क्या मतलब दे रहे हो इनको धमकी? अगर ये गाड़ी नहीं देंगे तो आप इनको मतलब निकाल दोगे, घर से निकाल दोगे, ये क्या मजाक है? शादी कर रखी है तुमने? हमारे घर का मामला है, तुम कौन हो तो बोलने वाले भाई? क्या हो, जो मर्जी हो, शादी कर रखी है आपने, मतलब ऐसी घर से बाहर निकाल दो। कौन? मैं कोई भी हूँ, मैं इन्होंने बुलाया मेरे को अपनी मदद से, अपनी मदद के लिए बुलाया, मैंने बुलाया इनको। तुम क्या दुखी कर रखा है तुमने मुझे? मैंने इनको बुलाया। क्या किस लिए बुलाया तूने इसको? तुमने मुझे दुखी कर रखा है इसलिए मैंने इनको बुलाया है। क्या धमकी देते हो, मतलब घर से बाहर निकाल दोगे? भाई तू होता कौन है बोलने वाला? मैं कोई भी हूँ, मेरी सिस्टर है, मेरी सिस्टर है। और बताओ, बताओ ना, मेरी सिस्टर से तुम पैसे ऐठ रहे हो, मेरे घर वालों से पैसे ऐठ रहे हो, बताओ। मैं इनका घर का मेंबर हूँ, बोलो क्या पैसे, क्या पैसे? हमारा घर का मामला है ना, तुम कौन होते हो बोलने वाले? मैं कोई भी हूँ, मेरी बात सुन लो, पैसा नहीं देंगे एक भी ये, और तुम्हें घर ले जाना पड़ेगा इनको, ठीक है? अभी तो अंकल जी जबरदस्ती है। हाँ जबरदस्ती है, समझ जाओ, जबरदस्ती है, लेके जाना पड़ेगा। फालतू मत बोल, ठीक है? नहीं तो एक बार समझा दिया तेरे को, बोल पर बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों, मतलब क्या है? नहीं नहीं जाएंगी ये बताओ। तो है ना, चले चल चल निकल। देखो उम्र के लिहाज कर रहा हूँ, ठीक है? धक्का मत दो, पहली बता रहा हूँ, जानता नहीं है मुझे, समझा? ठीक है, कोई भी हो आप, घर लेके जाओगे। और मैडम, एक अंकल जी आपको गाड़ी देने की जरूरत भी नहीं है, एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, तुम लेके दिखा। अरे दुखी कर रखा है, नहीं दो आता भाई करते हैं, मारते हैं, करते हो दारू पी के मारते हो, क्या लेडीज में जान दिखा रहे हो? ये बताओ ना, तो होते कौन हो? तू कौन है? मैं कोई भी हूँ, मैं इनके, मैं बोल रहा हूँ ना, इनका भाई हूँ मैं। तू कौन होता बोलने वाला? मैं इनका भाई हूँ, मैं इनके घर का मेंबर हूँ। और बताओ क्या मतलब है, क्या नहीं दे रहे? नहीं नहीं देंगे मैडम, आप मत देना। क्या क्या करोगे, घर से बाहर निकालोगे? नहीं, ये ड्रामा करवाएगी अब तू? ड्रामा क्या, तुमने मुझे कितना दुखी कर रखा है, तुम्हें दिख रहा है? तुम्हें जो मांगते हो तुम्हारी हर डिमांड पूरी है, 5 साल से तुमने दुखी कर रखा है, कभी कुछ ला दे, कभी कुछ ला दे, क्यों ला दे? क्या लाने के लिए लेके गए थे मुझे कि मैं चीजें मांग मांग के तुम्हें देते रहो, तुम्हारी डिमांड पूरी करते? तुम कमा के ले लो ना गाड़ी। गाड़ी लाएंगी, घर पे आएंगी? मैं कह रहा हूँ गाड़ी नहीं लाएंगी और घर पे जाएंगी, बताओ क्या करोगे? मैं कह रहा हूँ गाड़ी लाएंगे, गाड़ी नहीं लाएंगे। बता रहा हूँ आराम से, बता रहा हूँ, चुप हो जा। अभी तुम्हें नहीं पता, समझ गए मेरे बारे में? समझ गए ना क्या कह रहा हूँ? है कौन तू? मैं है कौन? उधर देखो, उधर वहाँ देखो, वहाँ कैमरा लगा रखा, कैमरा, ये जो सारी हरकत है ना सब रिकॉर्ड हो रही है। और तुम अगर घर नहीं लेके गए ना, या क्लिप लेके जाऊंगा मैं पुलिस वाले के पास, मैं देखता हूँ फिर कितने बड़े तुम 30 मार खान हो, कितने बड़े बदमाश हो, मैं देख लूंगा। ये करवाएगी तो तुम मुझे दुखी करते रहते हो, वो सही है? तुम जो मर्जी करते रहो, तो क्या करो फिर? तुम्हारी मार खाती रहूं? मार मतलब बंद कर उसको, चल बंद कर, बंद, एक शर्त में बंद होगा, लड़की जाएगी और बिना गाड़ी, और गाड़ी अंकल जी आपको देने की जरूरत नहीं है, ऐसे लेके जाओगे तब बंद होगा, ना तो अभी जा रहा हूँ। बंद कर उसको, मैं बंद कर दूंगा, अभी क्लिप लेके जा रहा हूँ, नहीं तो मैं 100 नंबर के पास, और अभी के अभी ना सारी पोल खोल दूंगा। जब जेल में जाओगे ना, ये जो सोने की चैन और बाइक लिए ना, सारा पैसा देना पड़ेगा थाने में भी, जो कुछ नहीं बचेगा, और जो गाड़ी की कह रहे हो तुम, और ये रखना भी पड़ेगा। अरे दुखी कर रखा, जब से शादी हुई कभी कुछ मांगते रहते, कभी कुछ मांगते रहते, इतना दुखी कर रखा, नहीं लाके दो तो दारू पी के मारना शुरू कर देंगे। यार कैसा है, घर का मामला होता है ना, घर पे ही होता है। क्या घर का मामला है, घर का भी परेशान कर रखा है। नहीं, अंकल को भी तंग कर रखा है। मैं भी कितना दूं, कहां से ला के दूं मैं, बताओ? मेरी कमाई धमाई इतनी है नहीं। शर्म कर लो, शर्म, उनके चेहरा देख लो, कम से कम अब तो सुधर जाओ। और नहीं सुधरोगे अब टेंशन मत लो, अब तो लेके जाना ही पड़ेगा। और नहीं गए ना तो वहाँ देख लो, ये जाएगी फिर, अब बता दो ये घर जाएंगे कि ये लेके जाऊँ मैं पुलिस में? पहले उसको तो बंद करो। मैं बंद कर दूँ? हाँ मैं बंद कर दूंगा, एक बार सॉरी बोलो। अरे बात तो कर रहे, बंद तो करो। नहीं नहीं नहीं, हाँ बंद है, वो बंद है, बंद है, कैमरा बंद हो गया, ठीक है? अब इनको प्यार से हाथ पकड़ के घर लेके जाऊँ। मैडम आप ना अपना फ़ोन दिखाओ, मैं अपना नंबर डायल कर देता हूँ, ठीक है? अभी अगर कोई भी दिक्कत करे नहीं, आप मेरे को बता देना, ठीक है? मैंने रिकॉर्ड कर दिया सब, टेंशन मत लो, ठीक है? हो गया मैडम, मैंने डायल कर दिया, अब कोई दिक्कत है ना आपको मेरे को फ़ोन कर देना। और हाँ, कैमरा अभी बंद करा है, अगर अब की बार दिक्कत दे दी ना इन्हें, मैडम आप फ़ोन कर देना एक भी बार, अगर दारू पी के आप पे हाथ उठाना और अब की बार बोले गाड़ी के लिए, तो बस समझ जाना फिर ये जाएगी क्लिप पुलिस में। और जितनी ये गुंडागर्दी है ना, जितने बदमाश बन रहे हो, सब निकलवा दूंगा 2 मिनट के अंदर, ठीक है? अब मैडम आप जाओ, और इज्जत से लेके जाना, ठीक है? ठीक है अंकल जी, आप टेंशन मत लो, आज के बाद कभी परेशान नहीं करेंगे आपको ये। अरे बड़ा दुखी कर रखा है यार। ना ना, आप नहीं करेंगे आज के बाद कभी,
अब चाहिए गाड़ी, अब ले लेना, ठीक है मैडम? आप टेंशन मत लो, मैं आप फोन कर देना अगर आपकी बारी कभी बोले ना कि गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, और कभी दारू पी के ड्रामा करे आपको। अब मारोगे तो नहीं ना मेरे को? मैं मारता हूँ तेरे को। दारू पी के तुम इतना मारते हो, मारोगे तो नहीं? पहले बोल दो यहाँ पे। पहले हाँ पहले बोलो, मारोगे आज के बाद? अरे नहीं मारते नहीं है, ठीक है अपनी फैमिली मैटर है, ऐसा अच्छा नहीं लगता कि दुनिया देखे। आप भी थोड़े समझदार हो, थोड़ा समझ जाया करो आप भी, आपकी उम्र है। अभी ये कोई और किया होता तो मेरा मन तो कर रहा था रैप्टा मार दूँ, आपकी उम्र है इसलिए देख रहा हूँ मैं, ठीक है? चलो ठीक है, ठीक है जी, आपको अगर कोई दिक्कत देने है, हाँ मैं आपको कॉल कर दूँ, मेरे को कर देना, ठीक है अंकल जी? अगर आपके बाद आज के बाद आपको फोर्स करें ना तो आप मेरे को फ़ोन कर देना, ठीक है? ठीक है जी, धन्यवाद। हेलो गाइस, दोस्तों मेरा नाम है धीरज सिंह। जैसा कि आपने देखा यार, पैसों के चक्कर में मतलब अपनी रिश्ते ख़राब करते हैं कि दारू पी के लड़ाई करना। यार पैसा तो यार खुद भी कमा सकते हो, और मतलब किसी की उम्र नहीं देखनी, तुम्हें बस फोर्स करना है कि मतलब इतना चाहिए हमें, उतना चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों मैंने उनका मैटर सोल्व करा दिया घर का, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमारी यहाँ पर इंस्टा आई डी शो कर रही होगी भाई मेरी, धीरज सिंह के नाम से है, तो हमारी वीडियो को करो लाइक, और हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को करो सब्सक्राइब, और हम बेल आइकन जरूर दबाना। और दोस्तों ये वीडियो हम इसलिए बनाते हैं कि कल को अगर किसी को तो कोई दिक्कत हो तो कम से कम वो पहले देख के समझ जाए कि किसी लड़के पे अगर कोई रिश्ता देखने जाए तो लड़का पहले देख ले कि वो अच्छा है कि नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करना कि लोगों के पास मैसेज पहुँचे कि कोई कभी किसी के साथ गलत ना करे, ठीक है दोस्तों? जय राम राम।